देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर रीजनिंग के कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले समझेंगे कि सीटिंग अरेंजमेंट वाले प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले एक उदाहरण देख लो कैसे पूछा जाता है। जैसे प्रश्न आपको दे दिया, 11 दोस्त हैं, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू, क्रिकेट मैच देख रहे हैं, स्टेडियम की पहली पंक्ति में बैठे हैं, टी पी के तत्काल बाएं है, यू के दाएं से तीसरा है, बी एम एन का पड़ोसी है, तो बताओ एस किधर बैठा है और बीच में कौन बैठा है, बाएं कौन बैठा है, दाएं कौन बैठा है। तो ऐसे प्रश्नों में प्रश्नों को देखकर ही लगता है कि ये प्रश्न सॉल्व होने से रहे, लेकिन अगर आप उनको ट्रिक से कॉन्सेप्ट से सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली ये प्रश्न जितने लंबे चौड़े दिखते हैं लेकिन काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सीटिंग अरेंजमेंट के कोई भी प्रश्न को देखने से पहले आप जानो कि दिशा, सबसे पहले इस दिशा को समझो कि अगर आप सामने की तरफ देख रहे हो तो ये हमारा क्या होगा, जो ये एरो जिस तरह से डायरेक्शन बता रही है कि ऊपर की तरफ होगा उत्तर, नीचे की तरफ होगा दक्षिण और इस तरफ होगा पूरब और इस तरफ होगा पश्चिम। अब आपसे दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक अगर कहेगा कि एक पंक्ति में शख्स बैठा हुआ है और ऊपर की तरफ देख रहा है, और जबकि दूसरा प्रश्न होगा कि एक पंक्ति है जिसमें लोग बैठे हुए हैं और नीचे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये दो पंक्ति दो तरह के प्रश्न साधारण सीटिंग अरेंजमेंट में पूछे जाते हैं, लीनियर वाले में, कि पंक्ति में जब बैठे हैं तो एक पंक्ति में बैठे हैं ऊपर की तरफ देख रहे हैं या एक पंक्ति में बैठे हैं नीचे की तरफ देख रहे हैं। कभी कभी दो पंक्तियों का भी सवाल आता है कि एक पंक्ति ऊपर की ओर देख रहा है, एक पंक्ति नीचे की ओर देख रहा है। ठीक है, या दोनों पंक्ति ऊपर की ओर देख रहा है या दोनों पंक्ति नीचे की ओर देख रहा है। अब इसको एक साधारण घरेलू एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझो आप, ताकि याद रहे आपको। अगर हमने इसको एक मान लो चम्मच से हम लोगों ने इसको बनाया और इसको दिखलाते हैं हम लोग कि ये सर है किसी शख्स का। ठीक है, सर है और ये बाहें हैं। ठीक, तो अब इसमें देखो अगर हम ऊपर की ओर देख रहे हैं तो ऊपर की ओर, अगर जब भी प्रश्न में ऊपर की ओर कहेगा तो क्या होगा, जो हमारा राइट है वो राइट ही होगा और जो हमारा लेफ्ट हो वो हमारा लेफ्ट होगा। ठीक है, मतलब इस डायग्राम को आप दिमाग में याद रखो, जब ऊपर की ओर कह रहा है तो इस साइड राइट होगा और इस साइड लेफ्ट होगा, और साधारण भाषा में जब कोई ऊपर की ओर देख रहा है तो आप जिस पोजीशन में बैठे हुए हो उसका राइट, आपका राइट उसका राइट है, आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट है। ठीक है, अब दूसरा देखो आप, दूसरा अगर कहेगा कि नीचे की ओर देख रहे हो तो ठीक ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट, जो आपका राइट है वो उसका लेफ्ट हो जाएगा और जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। ये इस इमेज की अगर इमेज की वजह से आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन होगा। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो हम लोगों ने क्या करा, एक प्रश्न को देखेंगे हम लोग, ये प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 11 दोस्त हैं, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू, ये क्रिकेट मैच देख रहे हैं, स्टेडियम की पहली पंक्ति में बैठे हैं, टी पी के तत्काल बाएं है और यू के दाएं से तीसरा है। पहले इसको हम लोग पॉइंट में तोड़ लेते हैं, ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। फिर क्या है दूसरा, दूसरा पॉइंट है भी एम और एन का तत्काल पड़ोसी हो और एस के बाएं तीसरा है, ये हो गया तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है एम क्यू के दाईं और दूसरा जो सिरो में से एक है, और आर जो है ये डी हो गया ये चौथा, आर पी के दाईं और बैठा है जो सिरो में से एक पर है और पी ओ के दाएं से दूसरा है। ठीक है, ये चार है। ठीक है, अब इस चार में आपको निकालना है कि कौन, पहले तो अरेंजमेंट बना लो, प्रश्नों को देखने से पहले अरेंजमेंट बना लो। अब आप देखो इसमें कहीं भी इसने
दिशा नहीं बताया है, जब दिशा नहीं बताया है तो हम बाय डिफॉल्ट मान लेंगे कि ये नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है। तो हमने क्या करा, बाय डिफॉल्ट नॉर्थ फेसिंग में क्या होगा, ये वाली फिगर आएगी, और ये वाली फिगर आने का मतलब हो गया कि इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा, ठीक। हमने 11 पॉइंट्स बना लिए, 11 पॉइंट्स बना लिए, 1 2 3 करके 11 बना लिए। अब हम इस प्रश्न को, हम लोगों ने इसको इंग्लिश में भी रखा है जो ताकि समझने में जिनको इंग्लिश में ज़्यादा आसान हो, या जिनके लिए हिंदी है हिंदी के लिए भी है, तो दोनों को समझ सकते हैं। अब क्या है कि इसमें से जो 4 पॉइंट्स निकल के आए हैं, इनको ध्यान से देख कर देखो कि कौन सा निश्चित है। इन 4 पॉइंट्स में हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से निश्चित हो, ठीक है। टी पी के तत्काल बाएं और यू के दाएं से तीसरा है, तो अभी हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि छोर कौन सा है। छोर कैसे पता चलेगा, प्रश्न में आप ढूंढो या तो किनारे बैठा हो या बीच में बैठा हो, अगर ये मिलता है आपको तो वहां से आप शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास इस प्रश्न में, इस पॉइंट में तो हमारे पास न तो बीच का है और न किनारे का है। बी एम एन का तत्काल पड़ोसी है एस के बाएं तीसरा, इसमें भी कहीं नहीं है। एम क्यू के दाएं और दूसरा है जो सिरों में से एक पर है, यहाँ पर आपका आ गया एक सिरा, एक सिरा सी में है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, डी में आर पी के दाईं ओर बैठा है जो सिरों में से एक पर है, ठीक। अब यहाँ दो आपको किनारे दे दिए गए, दो किनारे दे दिए गए, तो जब दो किनारे दे दिए गए तो आप किनारे को निकालो, किनारे वाले को पहले देखो, दोनों में से किसी को भी उठा सकते हो, सी पॉइंट या डी पॉइंट। आर पी के दाईं ओर बैठा है जो सिरों में से एक पर है, दाईं ओर बैठा है आर पी के, तो आर पी के दाईं ओर बैठा है, दाया हमारा इधर हो गया राइट, यानी पी अगर यहां पे होगा, पी इस पॉइंट पे होगा, पी इस पॉइंट में अगर पी है तो इसकी दाईं ओर कौन है, आर है, आर है, तो इसकी दाईं ओर आर कहां पे हो जाएगा, आर एक छोर भी है, तो आर हमारा यहां पे हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा एक किनारा मिल गया, अब सी पे चलते हैं जहां दूसरा किनारा था। एम क्यू के दाईं ओर और दूसरा है जो सिरों में से एक पर है, ठीक है। तो हमारा दूसरा जो है ये क्यू, क्यू जो है यह भी एक सिरा है, ठीक है। जब क्यू एक सिरा है, M is second to the right of Q, who is at one of the ends, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, Q एक सिरा हो गया, जब दो ही सिरे होंगे, एक R हो गया, तो दूसरा हमारा यहाँ पे Q हो गया, तो हमारा सिरा मिल गया। अब सिरा मिलने के बाद अब हमें बिठाना है, जैसे जैसे हमारे पास प्रश्न है, जैसे जैसे ऑप्शंस हैं, उनको वैसे वैसे बिठा दो, पहले आप बिठा दोगे तो आपको मिल जाएगा कि हाँ इसका सारे प्रश्नों का आंसर आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। अब प्रश्नों पे चलो, क्या कह रहा है प्रश्न, हमारे पास दो चीज मिल गया, सिरा मिल गया दोनों का, आप किधर से भी शुरू करो, आप धीरे धीरे सॉल्व करते चलो। आपके पास है क्यू और पी और आर, तो कोशिश करो कि इनसे ही इनके आसपास कौन है पहले वो निकालो, ठीक। अब चलते हैं, पहले R इज सिटिंग नेक्स्ट टू द राइट ऑफ P, R जो है P के नेक्स्ट में राइट में है, ये हमने कर दिया था। Who is at end, जो R जो है एंड है, ठीक है, हो गया। एंड P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ O, और P क्या है, सेकेंड है O का, तो सेकेंड है O का, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट साइड, राइट साइड है, तो इसका मतलब O जो है इसके आगे में होगा, ठीक है, तो आगे में होगा, सेकेंड होगा, यानी एक जगह यहाँ पे ये वाली खाली रहेगी तभी ये सेकेंड होगा, तो हमारा ये आ गया यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो आप आगे क्या कह रहा है, हमारा चौथा लाइन पूरा, एम इज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट में एम जो है सेकेंड है, तो ये हमारा कहाँ पे, राइट इस साइड हो गया। आप इससे ध्यान में अच्छे से रख सकते हो, माइंड में हमेशा जब भी हो ऐसा इमेज बना लो और उसके हिसाब से कर लो तो ज्यादा आसान होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड है, दूसरा है, तो एम आ गया इस जगह पे।
अब M इस जगह पे आ गया हमारा, ये जगह हो गई खाली। अब क्या कह रहा है, Q who is at the end of M, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे है हमारा खाली है, इधर की चीज खाली है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, B is the immediate neighbor of M and N, ठीक है। भी जो है M और N दोनों का पड़ोसी है, तो M और N का दोनों का पड़ोसी है, यानी भी यहाँ बीच में है और उसके बाद यहाँ N है, तभी ये पड़ोसी हो सकता है, दोनों का ही पड़ोसी है तो तभी ये पड़ोसी हो सकता है। अब ये हमारा इस तरह से सीक्वेंस बन गया। अब आगे क्या बचा है, बी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ एम एंड एन एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, और एस के बाएं से तीसरा है, तो एस के बाएं से तीसरा है। मतलब अब ये प्रश्न को इसको थोड़ा सा देखो आप, क्या है, भी जो है वह भी, हिंदी में भी आप देख लो, भी एम और एन का तत्काल पड़ोसी है तो ये हमने बता दिया, और एस के बाएं तीसरा है, तो भी किधर होगा, एस के बाएं होगा, ठीक है। तो एस के बाएं होने का मतलब है भी इधर है तभी वह एस के बाएं होगा, भी इधर है तो एस इस तरफ होगा, इस तरफ से तीसरा है, तीसरा है तो भी यहाँ पे है हमारा एक हो गया, दो हो गया, तीन, यानी यहाँ पर हमारा हो जाएगा एस, तभी भी जो है उसका तीसरा होगा। ये हमारा निकल के आ गया। अब बच गया, अब आगे पे चलते हैं, टी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, टी जो है पी का इमीडिएट लेफ्ट है, तो यहाँ पी है इसका लेफ्ट इस तरफ होगा, इमीडिएट है तो यहाँ पे आ गया टी, ये जगह तो भर गई। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ यू, थर्ड टू द राइट ऑफ यू, राइट थर्ड टू द राइट ऑफ यू, अब यू से यह तीसरा राइट है, तो यानी यू इसके आगे में होगा, पहला दूसरा और यू यहाँ पर तीसरा होगा, तो ये हो गया हमारा यू। अब इधर के सारे पंक्ति में भर गया है, अब बच गया लास्ट, एक ही जगह बची हुई है, और वह ये ग्यारहवां कौन है जिसके बारे में डिटेल नहीं है, तो वह ग्यारहवां है डब्लू, तो हमारे पास डब्लू के लिए एक जगह बची है, तो ये निश्चित है कि डब्लू यहाँ पे बैठा हुआ है। ये हमारा बन गया पंक्ति। आप जिससे भी जिस तरह से भी सवाल पूछा जाए आप इजिली इसका जवाब दे सकते हो। तो अब देखो हमारे पास क्या क्या प्रश्न था, पंक्ति के केंद्र में कौन बैठा है, एन बैठा है, ओ बैठा है, एस बैठा है या यू बैठा है, तो अब बीच में कौन बैठा है, देखो आप इधर से ये हो गए चार और इधर से ये हो गया चार, ठीक। अब बच गए ये दोनों, तो हमारे पास ये पांच इधर से और ये पांच ये वाले S से लेके ये पांच इधर पे, तो बीच में कौन है, देखो आप बीच में है U, देखो हमारे पास ऑप्शन में U है, हाँ U है, तो U हो जाएगा सही आंसर। इसको हम लोग कलर कर देते हैं ताकि याद रहे, कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखते हो तो बहुत ही आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। अब हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति एस के दाईं ओर बैठा है, देखो चार का ग्रुप बताया है कि एस के दाईं ओर कौन बैठा है, क्यू टी पी क्यू, क्यू टी सॉरी ओ टी पी क्यू, ओ टी पी आर, यू एन भी एम, यू ओ टी पी आर। तो अब आप देखो हमारे पास प्रश्न क्या है, एस के दाईं ओर बैठा है, तो एस के दाईं ओर, एस के पास चलो, एस कहाँ पे है, ये है एस, और एस का दायां किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। तो एस के दाईं में क्या है, ओ है, टी है, पी है और आर है, एस की दाईं में ओ टी पी आर है, तो इसका दायां किधर है ये आपको समझ में आ गया। आप इसको ध्यान में रखो, इसको उठा के बस उस जगह पे रख दो तो आपको दायां निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एस के दाएं में है ओ टी पी आर, तो अब देखो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ओ टी पी आर, ये हो गया दो आंसर।
अब आगे देखो, आगे का प्रश्न क्या है, उपरोक्त व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पी और एस के बीच तीन व्यक्ति बैठे हैं, डब्ल्यू एम और भी के बीच है, एन भी और यू के बीच में बैठा है, चार एस ओ और टी के तत्काल दाएं बैठे हुए पड़ोसी हैं। तो अब ये चारों कथन को आप उसमें बिठाकर देखो, पी और एस के बीच तीन व्यक्ति बैठे हैं। अब ऊपर जाकर देखो आप, क्या पी और एस के बीच तीन व्यक्ति हैं? पी और एस के बीच, अच्छा अब यहाँ पे देखो पी और एस है यहाँ पे, तो इसके बीच कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति हैं, तीन तो नहीं है, ओ और टी। तो हमारा ये कथन हो गया गलत। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या था? डब्ल्यू एम और भी के बीच में है। तो क्या डब्ल्यू एम और भी के बीच में है? डब्ल्यू एम और भी के बीच में है, नहीं, एम इधर है, भी इधर है और डब्ल्यू इधर है, तो ये बीच में नहीं है। दूसरा कथन भी खत्म हो गया। तीसरे पे चलते हैं हम लोग। तीसरा क्या कहता है? एन भी और यू के बीच में बैठा है। एन भी और यू के बीच में बैठा है, एन जो है भी और यू के बीच में बैठा है। हाँ, ये कथन सही है कि एन जो है भी और यू के बीच में बैठा है। तो हमारा सही आंसर हो गया ये। अब उस पर भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। एस और ओ और टी के तत्काल दाएं बैठे हुए पड़ोसी है। एस जो है ओ और टी के दाएं बैठे हुए पड़ोसी है, ठीक है। तो ओ और टी का पड़ोसी तो है, लेकिन यह दाईं तरफ नहीं है बल्कि बाईं तरफ है, ठीक है। तो हमारा जो है ये हमारा थर्ड नंबर जो ऑप्शन हो गया, ये हमारा सही है कि एन भी और यू के बीच में बैठा है। देखो आपने पंक्ति बना ली, उसके बाद आंसर देना आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं। टी के निकटतम पड़ोसी कौन है? टी के एकदम में पड़ोसी पास में कौन कौन है? ओ पी, ओ आर, एन यू। तो पहले हम लोग चल के देखते हैं टी का पड़ोसी है कौन कौन। तो वहां पे जब हम लोग पंक्ति में चलेंगे, टी का पड़ोसी कौन है? टी का पड़ोसी इधर से पी आर है और इधर से ओ एस है। तो अब देखो हमारे पास क्या ऑप्शन है टी का पड़ोसी। टी के निकटतम पड़ोसी कौन है? ओ पी, ओ आर, एन यू या भी यू? तो टी का पड़ोसी हमारा इधर ओ है और इधर पी है। तो टी का निकटतम पड़ोसी हो गया ओ और पी, ये हो गया सही आंसर। पांचवें पर चलते हैं। यदि क्यू और पी ओ और एन, एम और टी और डब्ल्यू और आर अपने पदों को इंटरचेंज करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा दोस्तों के सिरों पर बैठा होगा? अब ये देखो, ये अपने जगह को बदलते हैं, ये पांचवा प्रश्न है कि क्यू और पी अपना जगह बदल लेता है, ओ और एन अपना जगह बदल लेता है, एम और टी अपना जगह बदल लेता है, डब्ल्यू और आर अपना जगह बदल लेता है, तो किनारे में कौन कौन होगा, ठीक है। इस प्रश्न को मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ, इसको सॉल्व कर कमेंट कर बताओ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इस प्रश्न को सॉल्व करूंगी।